राजस्थान की एकमात्र वेटनरी यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर की भर्ती गले की फांस बनी हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गलत रोस्टर अपनाकर की जा रही इस भर्ती को पशुपालन विभाग ने रोक दिया, जबकि भर्ती में इंटरव्यू भी कर लिए गए। बेरोजगार नौकरी की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन जांच कमेटी ने प्रथम दृष्टया जांच में इसमें गड़बड़ियां मानी है। अब इस मामले में कार्मिक विभाग उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी गठित करेगा। रिपोर्ट देखिए। बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी राजूवास यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर की भर्ती की प्रथम दृष्टता हुई, जांच में गड़बड़ियां पाई गई। इसी आधार पर पशुपालन विभाग ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने के आदेश जारी कर दिए। दरअसल विश्वविद्यालय प्रशासन ने 23 जून 2022 को सहायक प्रोफेसर के 72 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए 23 जून से लेकर 18 जुलाई तक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर पशुपालन विभाग को शिकायत भी की गई और पशुपालन विभाग के उप सचिव की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई। कमेटी ने शिकायतों को सही पाया और प्रथम दृष्टता जांच में भर्ती में अनियमितताएं और रोस्टर में गड़बड़ी मानी। इसके बाद पशुपालन विभाग ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। वेटनरी यूनिवर्सिटी भर्ती में क्या हो रहा है, इस पर नजर डाले तो पशुपालन विभाग ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने की अनुशंसा की। उच्च स्तरीय कमेटी के गठन से पूर्व पशुपालन मंत्री ने किया अनुमोदन। मंत्री लालचंद कटारिया ने कार्मिक विभाग से मांगी राय। अब डीओपी की अनुशंसा के बाद राज्य स्तरीय जांच कमेटी बनेगी। पशुपालन विभाग की जांच में गड़बड़ियां पाई गई हैं। पशुपालन सचिव कृष्ण कुणाल बोले, जल्द उच्च स्तरीय कमेटी जाँच करेगी। वीसी के चयन के संबंध में मैं बोलने के लिए कोई आधिकारिक वक्ता नहीं हूँ। नहीं, उसकी जांच नहीं है हमारे पास। जांच जो आई है वो जांच आई है इंक्वायरी रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और उसमें हमने प्राथमिक जांच कराकर हमने कार्मिक विभाग को इसमें उसको वेरीफाई करने के लिए भेजा हुआ है माननीय मंत्री जी के अनुमोदन से। जहाँ तक गवर्नर साहब की बात है, वीसी साहब की बात है, वो माननीय राज्यपाल महोदय तय करेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में रोचक बात यह है कि सहायक प्रोफेसर पदों के लिए भर्तियों के इंटरव्यू भी कर लिए गए। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने SC ST के बैकलॉग की पद कम करने और रोस्टर में गड़बड़ियां होने की शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन को पहले ही कर दी थी। राजस्थान यूथ बोर्ड के सदस्य सुनील शर्मा ने गड़बड़ियों को लेकर सबसे पहले शिकायत की। इसके बाद विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, घनश्याम मेहर, गोपाल मीणा, रामकेश मीणा ने भी मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन सभी शिकायतों को अनदेखा करते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रखी। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 16 जनवरी 2023 को इस भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर भर्ती या बवाल शीर्षक से प्रमुखता से खबर को प्रसारित किया था। मैंने दो मामले उठाए थे, एक माननीय वीसी साहब की नियुक्ति में गड़बड़ियों से संबंधित और दूसरा उनके द्वारा की गई नियुक्ति से मैं गड़बड़ियों से संबंधित, जिसमें ये चिट्ठी आपके पास उपलब्ध है, मैं आपको देता हूँ। इसमें राजस्थान सरकार का ने कमेटी बिठाई है, जांच कराई है, जांच में दोषी पाया है और उसको बैन किया हुआ है और उच्च स्तरीय जांच चल रही है। दूसरा मामला वीसी साहब की खुद की नियुक्ति से संबंधित है। राजस्थान के उच्च न्यायालय जोधपुर ने उनको नोटिस दिया, सरकार को नोटिस दिया, गवर्नर हाउस को नोटिस दिया। दुर्भाग्य की बात यह कि गवर्नर हाउस को मैं इसमें राजस्थान सरकार ने गवर्नर हाउस को भी कॉपी दी है कि हमने इसमें दोषी पाया गया है। गवर्नर हाउस ना तो वीसी साहब की नियुक्ति से संबंधित कोई कमेटी बना रहा है, ना उस वीसी द्वारा की जा रही फर्जी नियुक्ति से संबंधित कोई कमेटी बना रहा है, ना स्क्रीनिंग कमेटी में फर्जी लोगों में जो कैसे शामिल हुए इसकी जांच के लिए कोई कमेटी बना रहा है। बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि राजस्थान के युवाओं के साथ ये खिलवाड़ करने वाले लोग कौन है। हालांकि इस पूरे मामले में रोचक बात यह है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय राजभवन के अधीन आते हैं। राजभवन ने भर्ती रोके जाने के मामले में पशुपालन विभाग से जांच रिपोर्ट तो मांगी है, लेकिन राजभवन के स्तर पर अभी तक कोई जांच कमेटी गठित नहीं की गई। जरूरत इस बात की है कि कार्मिक विभाग और राजभवन जल्द फैसला करें, जिससे यदि भर्ती प्रक्रिया सही हो तो अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके और यदि भर्ती में गड़बड़ियां हैं तो इसे निरस्त कर नए सिरे से भर्ती की जा सके। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।